बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे बोलो श्री सतगुरु महाराज श्री मोहम्मद कहे ए साथ जी इहा लो ईसा का इलाम अब मोहम्मद को मिल चला कहो एक दिन आदम कहो एक दिन आदम यहाँ लगे कतेब की चर्चा में न चित प्रणाम सुंदर आत्म संबंधी सुंदर जी कल की चर्चा में हमने सुना कि श्रीजी मेरता में है लाभानंद नामक यति जिसका अर्थ तो वैसे सन्यासी होता है पर वह सन्यासी कम तांत्रिक ज्यादा है किस तरह से श्रीजी ने उसके प्रभाव को समाप्त किया कैसे लाभानंद का प्रभाव समाप्त होने से पूरी मेरता की जनता श्रीजी की चर्चा सुनने उनके चरणों में भागी भागी आने लगी कैसे वहाँ पर राजा राम झांझन भाई चापसी ऐसे अनेक सुंदर साथ की जागनी हुई जिन्होंने आगे जागनी यात्रा के दौरान पन्ना जी पहुंचने तक सेवा करी और किस तरह से श्रीजी जब उन चार महीनों के अंदर जब मेरता में थे चार महीने श्रीजी मेरता में रहे हैं तो वहाँ एक दिन टहलते हुए मीनार में से एक मुल्ला की आवाज सुनी और उसकी आवाज़ को सुनकर उन्होंने ये चिंतन किया कि ये जो आवाज दी है कलमा पढ़ा है ला इलाह इलाह मुहमदुर रसुल्ला तो इसका तात्पर्य तो क्या होता है ला तो नाही को कहा इलाह तो है हक ए अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग ये जो कलमा पढ़ा है वो तो वही है जिसको हम हिंदू धर्म में क्षर अक्षर और अक्षरातीत कहते हैं इस तरह से अब यहां से कतेब पक्ष का ज्ञान भी श्री जी की चर्चा में शामिल हुआ इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मेरता से उनको कतेब पक्ष का ज्ञान पता चला है जो खुदा की सूरत और मुहम्मद के बीच बात हुई जो बात करने वाला है वह भी इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान है जो जोश मुहम्मद साहेब तक कुरान की आयतों को पहुंचाता था वो जोश की शक्ति भी महामती जी के अंदर विराजमान है तो इसका मतलब यह है कि अक्षर की सूरता यहां से प्रवेश होती है और अब कुरान का ज्ञान उन्हें मिलना शुरू हुआ ऐसा कहना गलत होगा जब कहने वाला पहुंचाने वाला सब मौजूद है तो यदि चाहते तो पहले भी वर्णन कर सकते थे लेकिन अब तक आवश्यकता नहीं पड़ी थी जब जैसी परिस्थिति होती है उन परिस्थितियों के हिसाब से ही राज जी महामती जी के तन के माध्यम से वाणी का अवतरण कराते हैं ऐसी चर्चा कराते हैं अब तक तो कोई आवश्यकता थी नहीं लेकिन अब पता है कि जाना कहाँ है आगे मेरता से चल करके गोकुल मथुरा आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचना है वहाँ औरंगजेब की जागनी करनी है दिल्ली में मुगल सल्तनत है और उन मुगलों को और उन शरीयती मुसलमानों को सत्य का ज्ञान बताना है इसीलिए मेरता से कते पक्ष के ज्ञान का भी अवतरण होना शुरू हुआ कते पक्ष की चर्चा भी होनी शुरू हुई अब क्या कह रहे हैं अब मोहम्मद को मिल चला कहो एक दिन आदम आदम कहते हैं मनुष्य को तो यहां ये बताया जा रहा है महामति श्री लालदास जी कह रहे हैं कि समस्त मानव मात्र का धर्म एक है कल भी हमने संक्षेप में समाप्ति के समय में इतना तो वर्णन किया था कि धर्म एक है कोई सूर्य कहता है कोई आफताब कहता है कोई सन कहता है पर सूर्य के गुण कर्म स्वभाव में कोई फर्क नहीं आता है कोई जल कहे वारी कहे अंबु कहे वाटर कहे पानी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसी तरह से भले ही कोई कोई परमात्मा कहे कोई परमेश्वर कहे कोई गॉड कहे कोई अल्लाह कहे फर्क नहीं पड़ता है वास्तविकता तो ये है कि जैसे वाणी कहती है जो कछु कया कतेब ने सोई कहिया वेद दो बंदे एक साहेब के पर लड़त बिना पाए भेद कोई भी चिंतनशील आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा उसको आप पूछेंगे कि जो ईश्वर है मान लीजिए कि यदि हिंदू परिवार में पैदा हुआ है और चिंतनशील प्रवृत्ति का है उसको पूछेंगे कि क्या यह ईश्वर हिंदू मात्र के लिए है या फिर समस्त संसार का वो रचयिता है पालन करता है सब लोग कहेंगे कि नहीं सृष्टि करता वही परमात्मा है इस सृष्टि का निमित्त कारण है वह परमात्मा है फिर पूछा जाए कि परमात्मा एक है कि अनेक सब कहेंगे कि परमात्मा एक है जो तथा कथित रूप से सनातनी अपने आप को कहलाते हैं जिन्होंने कभी वेद खोल करके नहीं देखा जो स्वयं बहुदेव की उपासना में पड़े हुए हैं उनको भी यदि थोड़ा दबाव दे करके पूछा जाए कि परमात्मा कितने हैं वो भी बताएंगे कि परमात्मा एक ही है वेद का क्या कथन है ना 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 न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो नापी उच्चते न पंचमो न ष्ठो सप्तम न उच्चते न अष्टमो न नवमो दसम्यापी न उच्यते वह परमात्मा एक है दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां कोई नहीं है एकमात्र है उसी को हम एकम एवं अद्वितीयम भी कहते हैं उसी के लिए कहते हैं एकम सदिपरा बहुधा वदंती तो वो परमात्मा एक है उसी को कते परंपरा में कुरान का कथन है कुल्ल अल्लाह अहद अल्लाह एक है बाइबल उसी के लिए कहते हैं द गॉड योर लॉर्ड इज ओनली वन जो परमात्मा है तुम सब का वह एकमात्र है नानक जी के विषय में भी मैंने सुना गुरु ग्रंथ साहब के विषय में भी वो भी कहते हैं कि नानक एको उमरिये जन्म मरण दुख जाए तो इस तरह से जितने भी मत मतांतर संप्रदाय हैं जिसमें भी परमात्मा के विषय में बताया है उन सब ने ये बताया कि परमात्मा एक है जब एक है तो इतने सारे मत मतांतर क्यों केवल वेशभूषा और भाषा के कारण मानव मात्र का धर्म हमेशा से एक ही था एक ही है और एक ही रहेगा मुसलमानों को भी ये बात पता नहीं है इसीलिए वो केवल इसी कट्टरता में लगे हुए हैं कि जो कुरान ने कह दिया भले ही उसमें कितनी भी मिलावट की गई हो मुसलमान ये कहते हैं कि इस हमें पता है कि ये शैतानी आयत है कोई मुआविया ने मिलावट की है यजीद ने की होगी अबू जहल ने की होगी कितने लोगों ने मिलावट की होगी अर्थ जब किया गया होगा तब भी उसका अर्थ उसी तरह से किया होगा जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए इस्लाम मत में जिहाद की एक अवधारणा है जिहाद का अर्थ वो बताते हैं धर्मयुद्ध अब धर्मयुद्ध का तात्पर्य क्या है धर्म बाहर का विषय है कि अंदर का धर्म तो आत्मा का विषय है ना तो यदि धर्मयुद्ध की बात की जा रही है तो इसका मतलब यह है कि बाहर किसी दूसरे व्यक्ति से युद्ध नहीं करना है हमारे स्वयं की जो भी विकृतियां हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि विकृतियां हैं जो भी वासनाएं हैं उन वासनाओं से युद्ध करके उन्हें जीतने का नाम ही वास्तव में धर्म युद्ध है परमात्मा को पाने की राह में जितनी भी बाधाएं हैं जितनी भी रुकावटें हैं ये विकार इत्यादि उन सबको जीतना ही वास्तव में धर्म युद्ध है और मुसलमान क्या सोचते हैं कि जो कुरान को नहीं मानता जो कलमा नहीं मानता वो काफिर है और उन काफिरों के खिलाफ हथियार उठाना उनको मारना अथवा उनको जबरदस्ती तलवार के बल पर या फिर किसी भी प्रकार के लोभ लालच से मुसलमान बनाना ये ही धर्मयुद्ध है उसको वो जिहाद कहते हैं और उसी जिहाद में कहते हैं जो सबसे ज़्यादा जिहाद करता है जो किसी निश्चित मात्रा में हिंदुओं को मुसलमान बनाता है या फिर मार देता है उसको गाजी कहते हैं इसी गाजी कहलाने की होड़ में लंग ने मेरठ में केवल मेरठ में एक लाख से अधिक हिंदू जिसमें बच्चे भी थे जिसमें बूढ़े भी थे महिलाएं भी थे उन सबको मरवाया चाहे नादिर शाह हो चाहे तुगलक हो चाहे अब्दाली हो या गोरी हो ऐबक हो जितने भी मुस्लिम आक्रांता लुटेरे आए उन सब का मूल उद्देश्य ही यही था अपने आप को गाजी कहलाना था अपने आपको धर्मयोद्धा कहलाना था और धर्मयुद्ध तो कई लोगों की तो धर्मयुद्ध केवल आड़ थी उसमें उनका स्वार्थ था और यह शुरुआत से ही रहा है आप को विश्वास नहीं होता इंटरनेट में जाकर के एक पुस्तक का नाम ढूंढिए यदि उपलब्ध हो तो उसका नाम है खूनी इतिहास मुहम्मद साहब के जाने के बाद से जब तक ये खिलाफत आंदोलन चलता रहा तब तक का पूरा इतिहास इसमें बताया है कि मुसलमानों का इतिहास कितना खूनी रहा है कहने को तो मुसलमान हिंदुओं से घृणा करते हैं नफरत करते हैं काफिर कहते हैं पर मुहम्मद साहब ने जिसको अपना उत्तराधिकारी बनाया कौन अली पैगंबर उनको मरवाने वाला कोई हिंदू थोड़ी था मुसलमान नहीं मरवाया था क्यों केवल गद्दी पर बैठने के लिए तो झगड़ा किसका था यहां धर्म का झगड़ा नहीं था यहां झगड़ा था सत्ता का इसी तरह से उनके बच्चे को मरवाने वाला अली पैगंबर के जो बच्चे हैं हसन और हुसैन उनको मरवाने वाला कौन था यजीद मुआविया ये सब मुसलमान ही थे और इन्होंने धर्म का नाम लेकर अपनी सत्ता की रोटी सेंकने के लिए अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए लोगों को वो मारते गए मरवाते गए आगे भी चाहे बाबर ही क्यों ना हो पानीपत का जो युद्ध हुआ महाराणा संग्राम सिंह जिनको राणा सांगा कहा जाता है महाराणा संग्राम सिंह के विरुद्ध जो बाबर का युद्ध हुआ था पानीपत में उसमें संग्राम सिंह जीत रहे थे पर बाबर ने क्या किया सबको ये कहा कि तुम तो मोमिन हो और ये लोग काफिर हैं और ये जो हमारा युद्ध है ये जिहाद है यदि तुम मरोगे तो शहीद कहलाओगे तुम्हें जन्नत की प्राप्ति होगी और अगर तुम जीतोगे तो हिंदुस्तान की जो जमीन है उस पर फतेह हासिल होगी वहां तुम राज करोगे तो कहते थे जीतोगे तो राज करोगे और मरोगे तो जन्नत मिलेगी इस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जाता था इस तरह से उनको मानसिक रूप से तैयार किया जाता था तो वो मरने से भी नहीं डरते थे उनको क्योंकि ऐसा लोभ दिखाया जाता था कि तुम्हें जन्नत मिलेगी जन्नत में ऐसी हुरे होंगे ऐसी शराबे होंगी ये होगी वो होगी तो ये क्यों हुआ शुरुआत से लेकर के अबू बकर अबू जहल के समय से लेकर के जब तक ये खिलाफत आंदोलन नहीं चलता रहा तब तक सत्ता के लिए सब लोगों ने इस जिहाद शब्द का इस धर्मयुद्ध शब्द का प्रयोग किया अब देखिए औरंगजेब का युद्ध हो रहा है दारा सिखों के साथ वहां जिहाद कहने की क्या जरूरत पर औरंगजेब ने भी वहां जिहाद का प्रयोग किया उसको सत्ता चाहिए उसको धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है पर वह भी अपने सैनिकों को इसी तरह से उकसाता है कि यदि हम हार गए तो जो दारा सिखो है वो थोड़ी खुली विचारधारा का था तो जितने काफिर हैं उनका बोलबाला होगा उनका वर्चस्व होगा इसलिए हमारा जीतना जरूरी है क्योंकि हमारी जीत का मतलब है इस्लाम की जीत हर बार कभी भी ऐसी अवस्था आती है कभी भी ये लोग जब हारने की कगार पर होते तो कहते इस्लाम खतरे में वहां इस्लाम खतरे में नहीं होता वहां इनकी सत्ता खतरे में होती है तो उसी सत्ता को बचाने के लिए मुसलमानों ने बारंबार कुरान में मिलावट की बारंबार अपने अपने अनुसार अर्थ किया और आज इस्लाम इस अवस्था तक पहुंच गया है कि कोई उनका नाम नहीं सुनना चाहता इस्लाम शब्द सुनते ही आप विदेशों में यूरोपियन देशों में जाएंगे वहां तो उनको एक एक किसी न किसी रूप में आतंकवादी के रूप में देखा जाता है कि इन्हीं की वजह से सारी समस्याओं की जड़ है अब इसमें विचारधारा तो विभिन्न प्रकार की है ऐसा तो नहीं है कि सौ में से सौ प्रतिशत आतंकवादी होंगे पर अधिकांश जनसंख्या इनकी ही होती है जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं उनमें यही शामिल होते हैं और उसका कारण क्या है जिसको भी कुरान का वास्तविक ज्ञान होगा वो कभी भी आतंकवादी नहीं बनेगा जो भी सच्चा मुसलमान होगा वो कभी भी आतंकवादी नहीं बनेगा वो कभी भी बम लेकर के आत्मघाती नहीं बनेगा वो यदि होगा तो किस तरह का होगा जितने भी सूफी संत हैं वे वास्तव में इस्लाम की सही राह पर हैं। किसी न किसी रूप में वे दिल की जो बंदगी है इश्क बंदगी है उसकी तरफ जाने की कोशिश तो करते हैं कम से कम और ये जो जाहेरी मुसलमान हैं, वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं इसी तरह से एक हो गया अब इस्लाम मत में जितनी भी त्रुटियां थी वो मैंने बताई संक्षेप में अब यहां तो चौपाई क्या कह रही है कहो एक दिन आदम एक धर्म है मानव मात्र का अब हिंदुओं में भी क्या हुआ जिन्होंने वास्तव में वेद को समझा उपनिषदों को दर्शन को समझा वे वास्तव में अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे पर मध्यकाल में जब वेद पढ़ने वाला पढ़ाने वाला कोई नहीं था विशेष रूप से ये घटना शुरू होती है महाभारत काल के बाद जब महाभारत के युद्ध में अठारह अक्षय सेना समाप्त हो गई कौरव पक्ष के सारे लोग मारे गए एकाध लोगों को छोड़कर पांडव पक्ष के भी बहुत सारे लोग मारे गए कुछ लोगों को छोड़ करके उसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे ज्ञानी मारे गए अब धीरे धीरे ज्ञान का लोप होता गया जो लोग पहले चारों वेद कंठस्थ किया करते थे अब धीरे धीरे चार वेद से कोई चार वेद याद करने वाले तो कोई कोई हैं जो चारों वेद याद करते हैं उनको ब्रह्मा की उपाधि दी जाती है जिनको चारों वेद कंठस्थ होते हैं उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है जो केवल चार वेद पढ़ लेते हैं अर्थ समझ करके उनको चतुर्वेदी कहा जाता था फिर धीरे धीरे कम होते गए तीन वेद पढ़ने लगे उनको त्रिवेदी कहा जाने लगा दो वेद पढ़ने वाले को द्विवेदी एक वेद पढ़ने वाले को सुवेदी अथवा पाठक कहा जाने लगा ऐसे करते करते अब लोगों ने फिर उन वेदों को भी छोड़ दिया आज परंपरागत रूप से कुछ ही लोग हैं जिन्होंने इस वेदाध्ययन का बीड़ा थाम रखा है फिर वेद थोड़े और कठिन प्रतीत होने लगे तो लोग उपनिषदों तक पहुंचे फिर उपनिषद भी ग्यारह हैं तो सब लोग एक एक उपनिषद पकड़ कर बैठ गए फिर इतने से भी बात नहीं बनी अब ये भी कठिन लगने लगे तो लोग दर्शन की तरफ जाने लगे कि चलो दर्शन और आसान है तो एक एक दर्शन पढ़ने लग गए वास्तव में तो वेद दर्शन उपनिषद यह सभी एक ही धर्म की तरफ प्रेरित करते हैं वेद का विषय अलग नहीं है दर्शन का उपनिषद का विषय अलग नहीं है मूल रूप में तो वेद ही हर प्रकार के अच्छे ज्ञान का मूल है क्या कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम इस संसार में धर्म की जितनी भी बातें होती है वे सब आपको वेद में मिल जाएंगे कैसे कर्म करने चाहिए वेद में मिलेंगे कैसे कर्म नहीं करने चाहिए वेद में मिलेंगे उपासना की पद्धति किस तरह की होनी चाहिए वो भी वेद में मिलेंगे और वास्तविक ज्ञान और विज्ञान की बातें आज जिसको भौतिक विज्ञान लोग कहते हैं उसकी भी बातें वेद में मिलेंगे अथर्ववेद के ऐसे बहुत से मंत्र हैं जिसका अर्थ यदि बताया जाए सही सही अर्थ लगाया जाए तो आज के भौतिक विज्ञान की बहुत सारी गुत्थियों को यह सुलझा सकता है फिर वेद का मनन चिंतन करने वाले ऋषि मनुष्यों ने उपनिषद के माध्यम से जो ज्ञान दिया सूत्रों में जो ज्ञान को पिरोया उन्होंने दर्शन के माध्यम से इन सब में कर्म उपासना ज्ञान के विषय में इतना कुछ बता रखा है कि बाद में आने वाली जितनी भी मत मतांतर संप्रदाय हैं उन्होंने किसी एक एक को पकड़ा और एक एक विषय को अपना करके भी स्वयं को समृद्ध बनाया लेकिन आज वेद पढ़ने वाले बहुत कम हैं दर्शन उपनिषद पढ़ने वाले बहुत कम हैं जितने सनातनी हैं आज मेरे विचार से एक अरब या सवा अरब की जनसंख्या होगी भारत में नेपाल में या फिर इनके बाहर कुछ एक, एक एकाद देशों में मिला करके जहां जहां भी हिंदू हैं जो अपने आपको हिंदू कहते हैं सनातनी कहते हैं उन सवा अरब की जनसंख्या में या डेढ़ अरब भी मान लिया जाए उसमें से एक अरब की जनसंख्या तो ऐसी होगी जिनको जिन्होंने कभी चारों वेद खोल करके भी नहीं देखे होंगे नाम तो याद होगा एक जनरल नॉलेज के रूप में कि चार वेद कौन कौन से हैं पर खोल करके कभी नहीं देखा होगा यहां तक कि 90 प्रतिशत जनसंख्या ऐसी होती है हिंदुओं में जिनको गीता का पहला श्लोक पता नहीं जो स्वयं को सनातनी होने का दम भरते हैं कि हम सनातनी हैं किस बात का दम है यदि आपने कभी गीता खोलकर नहीं देखी आपने कभी वेद दर्शन उपनिषद इत्यादि नहीं पढ़े तो किस बात के सनातनी आज प्रत्येक मुसलमान कुरान पढ़ता है प्रत्येक ईसाई व्यक्ति बाइबल पढ़ता है कोई ईसाई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके घर में बाइबल नहीं होगी कोई मुस्लिम ऐसा नहीं होगा जिसके घर में कुरान नहीं होगी पर क्या सवा अरब हिंदुओं में सबके घर में वेद है सबके घर में गीता भी नहीं है दर्शन उपनिषद वेद की बात तो बहुत दूर की है इसलिए जितने भी सनातनी हैं स्वयं को कहते हैं वे यदि अपने अपने घर में गीता भी पढ़ने लग जाएं, तो वो धर्म को समझेंगे और स्वयं ही नहीं आगे आने वाली पीढ़ी को भी धर्म की सही दिशा देंगे और ये ग्रंथ ऐसे हैं वेद दर्शन उपनिषद जो पूरे प्राणी मात्र के लिए हैं यदि इसका भाषांतर किया जाए तो कुरान में जो रहस्य लिखा होगा जो भी अच्छा ज्ञान लिखा होगा मैं काल्पनिक जो आयतें हैं बाद में जोड़ी गई उनकी बात नहीं कर रहा हूं पर जो भी धर्म से संबंधित बातें बताई होंगी वे सभी आपको वेद दर्शन उपनिषद में मिल जाएंगे ईसाई मत में कोई अगर अच्छी बात है वे भी आपको वेद दर्शन उपनिषद में मिल जाएंगे बौद्ध मत में जैन मत में या दुनिया में जितने भी मत मतांतर हैं उन सभी मतों में जितनी भी अच्छी बातें हैं वे सभी कहीं ना कहीं से सनातन मत से ही प्रेरित है पर भाषा अलग अलग होते गए भाषा के आधार पर लोगों ने अपने अपने ग्रंथ को मानना शुरू किया कि हम तो इसी ग्रंथ में लिखी हुई इसी भाषा में लिखी हुई बात को मानेंगे इसी ग्रंथ को मानेंगे दूसरे को नहीं मानेंगे इसीलिए अब जो दुनिया में झगड़ा था उस समय और आज भी ये धर्म के नाम का झगड़ा है संप्रदाय के नाम का झगड़ा है संप्रदाय के नाम का जो झगड़ा है उसको समाप्त करने का एकमात्र उपाय यह है कि वेशभूषा और भाषा के बंधन को समाप्त किया जाए यदि विचारों का आदान प्रदान होने लगे हृदय में से घृणा की भावना निकालकर विचारों का आदान प्रदान होने लगे तो किसी भी तरह से झगड़ा रहेगा ही नहीं एक व्यक्ति ऐसा हो जो केवल मान लीजिए कि तीन भाषाओं को अच्छी तरह से जानता है संस्कृत उर्दू और अंग्रेजी और वह व्यक्ति तीनों ग्रंथों को पढ़े हिंदू धर्म ग्रंथ को भी कत्य पक्ष के ग्रंथ को भी ईसाई मत और इस्लाम मत दोनों मत के ग्रंथ को पढ़े उसमें से उसे पता चल जाएगा कि ये जो है ये मिलावट की गई बात लगती है और ये जो है ये वास्तविक बात लगती है उसी मिलावट के कारण ईसाई मत में विकृतियां हैं उसी मिलावट के कारण इस्लाम मत में विकृतियां हैं और ऐसी मिलावटें हिंदू मत में भी हुई है मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि यदि वेद का कोई गलत तरीके से अर्थ किया जाए और उसके आधार पर विकृतियां शुरू हो तो हो मैं उसको मानने लग जाऊं क्योंकि आध्यात्मिकता चिंतन से शुरू होती है जैसे अभी मैंने दो या तीन दिन पहले की चर्चा में सती प्रथा का उल्लेख किया था सती प्रथा किसकी प्रैक्टिस थी हिंदू मत की तो थी अब मान लीजिए कि आप हिंदू हैं तो क्या सती प्रथा का समर्थन करेंगे और जो विरोध कर रहे थे क्या वो हिंदू नहीं थे जिन्होंने सत्य प्रथा का विरोध किया वो भी तो हिंदू ही थे इसी तरह से जातिवाद की बात करते हैं जन्मना जातिवाद तो जो तो जनमना जातिवाद मान रहे हैं वो भी हिंदू है और जो जनमना जातिवाद का विरोध कर रहे हैं वो भी हिंदू है तो आप किसकी बात को सही मानेंगे बलि प्रथा में जो बलि देना स्वीकार करते हैं कि बलि दिया जाना चाहिए वो भी हिंदू कहलाते हैं और जो बलि प्रथा का घनघोर विरोध करते हैं वो भी हिंदू कहलाते हैं आप भैरव के मंदिर में चले जाइए वहां शराब चढ़ाई जाती है वो भी अपने आप को हिंदू कहते हैं और जो ये कहते हैं कि नहीं शराब तो निषेधित वस्तु है उसका सेवन भी नहीं होना चाहिए और उसका चढ़ाया जाना भी वर्जित होना चाहिए वो भी हिंदू है भगवान शिव को भांग गांजा इत्यादि चढ़ाने वाले भी हिंदू हैं और जो ये कहते हैं कि नहीं शिव जी तो ध्यान के नशे में रहते हैं गांजा भांग इत्यादि सेवन नहीं करते ये तुम्हारी मनोविकृति है वो भी हिंदू है अब आप कौन सी बात सही मानोगे बात तो एक ही सही हो सकती है यदि आपको वेद दर्शन उपनिषद में सती प्रथा मिल जाए बलि प्रथा मिल जाए बहुदेववाद मिल जाए मूर्ति पूजा मिल जाए तब आप बताइए कि हाँ ऐसा लिखा हुआ है और इसका पालन होना चाहिए और आज मैं कई बार देखता हूं कि जैनपीठ के जैसे मानीजिए कि बीतक की चर्चा जा रही है इस चर्चा में भी कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि जब हम इस्लाम पक्ष की कोई बात करते हैं कि कुरान में भी अच्छी बात लिखी हुई है तो तुरंत विरोध कर देते हैं कि तुम तो मुसलमान हो गए हो तुमने तो धर्म परिवर्तन करा लिया है तुम जयकारा क्यों लगाते हो अल्लाह अकबर क्यों नहीं बोलते इस तरह से बोला जाता है पर जो इस तरह से बोलते हैं वो खुद विचार करके देखें कि वो कितने बड़े हिंदू हैं यदि आप एक परमात्मा की उपासना करते हैं यदि आप जन्मना जाति व्यवस्था को नहीं मानते और यदि आप ये मानते हैं कि वह जो एक परमात्मा है वो पूरे प्राणी मात्र के लिए है आप बलि प्रथा को नहीं मानते तो समझ लीजिए कि आप अच्छे हिंदू हैं सच्चे हिंदू हैं अन्यथा जितने मैंने विभाग बताए ये सभी अपने आप को हिंदू ही कहते हैं जबकि सच तो एक ही होगा ना सत्य एक ही होगा कोई राम को परमात्मा मान करके पूज रहा है वो भी अपने आप को हिंदू कहता है कोई हनुमान जी को कोई गणेश को तेतीस कोटि देवी देवता कहते हैं कुछ लोग कहते हैं तेतीस प्रकार के देवता है कुछ लोग कहते हैं कि नहीं तेतीस करोड़ ही देवता है वो भी अपने आप को हिंदू कहते हैं तो आप पहले तय तो कीजिए कि सत्य क्या है वास्तविक सत्य वह है जो वेद दर्शन उपनिषद में लिखा गया है जो बिना मिलावट की कुरान में लिखी है जो बिना मिलावट के बाइबल में लिखी है बहुत सारी चीजें मिलावट है मैं इस चीज़ को प्रमाणित कर सकता हूँ लेकिन मिलावटें हिंदू धर्म ग्रंथ में भी हुई है जो वास्तविक धार्मिक व्यक्ति होगा चिंतनशील व्यक्ति होगा वह अपना पराया नहीं कहेगा वो कहेगा अयम निजह परोवेती गणना लघु उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम ये हिंदू मत है ना जो वास्तविक जो सच्चा हिंदू है वह कहता है उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम पूरा विश्व ही परिवार है जब पूरा विश्व परिवार है तो धार्मिक विद्वेष नहीं होना चाहिए मैं यह केवल हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ मुसलमानों की भी तो गलती है और प्रारंभ ये करते हैं धार्मिक विद्वेष की क्योंकि जिहाद के नाम पर जैसा कि मैंने पहले ही कहा और जो लोग ये विरोध वी, करते हैं कि नहीं निजानंद दर्शन में निजानंद संप्रदाय में कुरान की बात बहुत बार आई है मोहम्मद की बात बहुत बार आई है तो ये हिंदू नहीं है वास्तव में निजानंद दर्शन के अलावा कोई भी इस्लाम मत की वास्तविक विवेचना कर ही नहीं सकता विरोध कर सकता है कि हम इस चीज़ को नहीं मानते जिहाद गलत है इस तरह से कहना कुरान में मिलावट की गई इस तरह से कहना सरल है पर क्या मिलावट है किस तरह से मिलावट है क्यों मिलावट की गई वास्तविक जिहाद क्या है वास्तव में कलमा पढ़ना क्या है नमाज किसको बोलते हैं जकात रोजा और हज की वास्तविकता क्या है जिसको इस्लाम मत में मोमिन कहा जाता है उनकी शरीयत तरीकत हकीकत और मारिफत क्या है ये सारी बात तो केवल निजानंद दर्शन ने ही बताई है इसी तरह से हिंदू मत में भी जितनी बातें बताई गई है चाहे वो अथर्ववेद का रहस्य हो चाहे अन्य दर्शनों की बात हो चाहे वेदांत का हो चाहे उपनिषद के बारह महावाक्य हो इन सबके रहस्यों को खोलने की चाबी केवल निजानंद दर्शन के पास है ब्रह्मवाणी के पास है तो केवल खंडन करना धर्म नहीं है ये आधा धर्म है खंडन तो किया जाना चाहिए पर साथ में क्या गलत है ये बताना तो सरल है पर वो गलत क्यों है और उसके जगह पर सही क्या है वो बताना जब ये तीनों चीज़ें हो जाती है तो पूरा धर्म का ज्ञान होता है इसीलिए निजानंद दर्शन में दोनों मत के विषय में चाहे वो वेद पक्ष हो चाहे कते पक्ष हो दोनों की वास्तविकता को बताया है दोनों पक्ष की अच्छाई को भी बताया है दोनों पक्ष की बुराई को भी बताया है और संपूर्ण मानव मात्र के लिए ये बताया गया है कि धर्म की वास्तविकता क्या है सबके लिए बताया कि नाम सारो जुदे धरे लई सबो जुदी रसम सब में उम्मत और दुनिया सोई खुदा, सोई खुदा ब्रह्म जिसको खुदा कहा जाता है वही ब्रह्म है वही परमात्मा है तो इस तरह की जो विचारधारा है वह निजानंद दर्शन की है अब आगे श्री लालदास जी कहते हैं यहां लगे कतेब की चर्चा में न चित्त कलमा से हासिल किया लिया मोहम्मद मताइत अब तक श्री जी ने कभी कत्ते पक्ष की चर्चा नहीं की थी पर यह कलमा सुन के उस पर चिंतन करने के बाद पता चला तो उन्होंने जो बात पता चली उन्होंने लालदास जी को जाकर के बताई तो लालदास जी ने पूछा कि वो क्या बात है हमें भी बताइए तो श्री जी ने कहा कि मोहम्मद साहब जो कुरान लेकर के आए हैं उसमें तो सब हमारे मतलब की बात है हमारे मतलब की बात का मतलब कि जिसको हम क्षर अक्षर और अक्षरातीत कहते हैं उसी को ला इलाह इलाह कहा जा रहा है जिसको हम दिव्य ब्रह्मपुर कहते हैं उपनिषदों में जिसको हम परमधाम कहते हैं उसी के लिए अर्ष आजम शब्द का प्रयोग किया है जिसको हम चौदह लोक कहते हैं उसी को चौदह तबक कहा है तो इस तरह से समानता है दोनों में और जब धर्म एक ही इस तरह की समानता है तो ये औरंगजेब सुल्तान हिंदुओं पर इतना अत्याचार क्यों करता है इसलिए उसे ज्ञान देना जरूरी है उसे समझाना जरूरी है क्या कह रहे हैं अब लड़ाई करने को जाइए पास सुल्तान इनको प्रथम दावत करें ए लियावे ईमान सबसे पहले जड़ को ही पकड़ा जाए ना यदि औरंगजेब सुधर जाता है औरंगजेब वास्तविक धर्म को समझ जाता है तो वो इस बात को पूरे दुनिया में लागू कर सकता है पूरे देश भर में लागू कर सकता है कि कुरान की वास्तविकता क्या है जिहाद की वास्तविकता क्या है तो इसीलिए श्री जी ने लालदास जी को यह बात बताई और कहते हैं कि श्री देव श्री देवचंद्र जी ने भी ये बात तो बताई थी कि सकुंडल और सकुमार की जागनी होनी है जब इनकी जागनी होगी तो बहुत ही तीव्र गति से पूरे संसार में वाणी का ज्ञान फैलेगा पूरे संसार में ब्रह्म सृष्टियों की जागनी हो जाएगी इसीलिए सबसे पहले उन सकुंडल और सकुमार को खोजना है उनको जगाना है और क्या करना है कुली दज्जाल को मारिए करत बद फैली बाहर कलयुग अथवा दज्जाल को मारना है जो कि बदफैली करता है बदफैली करने का मतलब है जो लोगों के दिलों में रहकर उनको भड़काने का काम करता है उनको राह से विचलित करने का बेईमानी कराने का काम करता है ये कुल ये दज्जाल क्या है इसको कहते हैं अज्ञानता किसी भी प्रकार की अज्ञानता जो परमात्मा की राह तक हमें न पहुंचने दे उसको कहते हैं कलयुग तो उस अज्ञानता को समाप्त करना है कई बार यह हमारे स्वयं के अंदर होता है किसी न किसी रूप में कई बार ये दूसरे के रूप में भी आता है कोई ऐसा व्यक्ति शरीरधारी व्यक्ति नहीं है कलयुग या दज्जाल ये तो लोगों की भावना है ये लोगों की अज्ञानता रूपी भावना है जो हमें परमात्मा तक पहुंचने से रोकता है उसी को कलियुग कहते हैं और उसको समाप्त करना है तो अज्ञानता को समाप्त करने के लिए क्या चाहिए ज्ञान अंधकार को समाप्त करने के लिए क्या चाहिए प्रकाश उसी तरह से अब इस तरह से विचार करके अब क्योंकि औरंगजेब तक संदेश पहुंचाने का निर्णय लिया इसलिए श्रीजी सुंदर साथ के साथ मिलकर वहां से निकले चार महीना मेरता में रहने के बाद वहां से चलते हैं फिर गोकुल मथुरा और आगरा होते हुए कुछ दिन आगरा में रहे और वहां से पहुंचते हैं दिल्ली जब श्री जी दिल्ली पहुंचे तो ठठानगर के काफी सुंदर साथ आए और आकर श्री जी के चरणों में प्रणाम किया उनके साथ रह करके अब चर्चा सुनने लग गए श्री जी के साथ भी काफी सुंदर साथ हैं वहां अब दिल्ली में जागनी शुरू हुई क्योंकि इससे पहले कभी कभी कते पक्ष की चर्चा नहीं हुई थी पर श्रीजी ने दिल्ली में अब उसकी भी चर्चा शुरू करी और इसी क्रम में शेख बदल नाम का एक व्यक्ति आता है आकर श्री जी की चर्चा सुनकर श्रीजी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं और सामने से दज्जाल से युद्ध करते हैं अज्ञानता रोपी से सामने से लड़ने का मतलब देखिए तीन तरह के लोग होते हैं लड़ाई में एक है सामने से मतलब सबसे आगे बढ़ चढ़ के युद्ध करने वाले दूसरे होते हैं कि चलो ये है ना हमारे साथ तो हम भी करते हैं ऐसे कह के दूसरे की देखा देखी हिम्मत करने वाले और तीसरे भाग जाने वाले यह शेख बदल जी ऐसे धर्म योद्धा में से हैं जो सामने से बढ़ चढ़ कर के युद्ध में हिस्सा लेते हैं पर यह युद्ध कोई तलवार भाला धनुष बरछी इत्यादि से नहीं है यह युद्ध तो ज्ञान का अज्ञानता के विरुद्ध है कोई ऐसी शारीरिक लड़ाई नहीं है औरंगजेब तक संदेश पहुंचाने की लड़ाई है और लड़ाई इसको इसलिए कहा जा रहा है कि उस औरंगजेब को कयामत का वास्ता देना है उस औरंगजेब को कुरान के विषय में बताना है जो इतना कट्टर है कि जिसके विरुद्ध वो सोच लेता है उसको तुरंत मरवा सकता है इतने कट्टर औरंगजेब को ज्ञान देना है समझाना है तो ये युद्ध के स्तर पर ही काम होना था जैसे युद्ध में गया हुआ व्यक्ति सिर पर कफन बांध करके ही जाता है कि चलो जिएंगे कि मरेंगे कुछ अता पता नहीं है वापस आएंगे कि नहीं कुछ पता नहीं इसी तरह से जीवन की आशा प्रत्याशा छोड़ कर जिन्होंने अपना सर्वस्व इस सेवा में दिया उसी कारण से इसको युद्ध की संज्ञा दी और इस युद्ध में शेख बदल नाम के व्यक्ति ने जिन्होंने तारतम ग्रहण किया अब सुंदर साथ हुए और उन्होंने इस युद्ध में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया जिसका वर्णन आगे आएगा इसी तरह से अनंत राम जी आए तुलसीदास जी हरि राम जी हीरानंद इसी तरह से अब एक सुंदर साथ आते हैं जिन्होंने श्रीजी से सूरत में तारतम लिया था और वहीं सुन के पहले तो सूरत में ही रह रहे थे तारतम ज्ञान सुना वहाँ से 500 सौ सुंदर साथ की जमात निकली जिनको महाजर कहा गया पर तब मुकुंददास जी नहीं निकले और बाद में ऐसी प्रेरणा हुई कि घर बार छोड़ करके दिल्ली पहुंचे कहते हैं कोई दिन पीछे आइया गोवर्धन अटक से जिन गोवर्धन जी को किसकी जागनी के लिए जसवंत सिंह की जागनी के लिए अटक पार भेजा गया था उन्होंने भी कुछ दिन वहां रहने के बाद देखा कि इनका तो ध्यान किस में है केवल युद्ध कला में कुश्ती करने में व्यायाम करने में खाने पीने में शरीर को मजबूत बनाने में और धर्म में अध्यात्म में कोई रुचि नहीं है तो उन्होंने सोचा कि इनमें तो कोई अंकुर नहीं है कुछ दिन प्रयास किया वहाँ से वो भी वापस आए और आकर के लाल दरवाजे में गंगाराम नाम के एक व्यक्ति की दुकान में ठहरते हैं और आकर के क्या करते हैं तहा वचन तारतम के कहे जो गंगाराम आशा जीत बो तित पाया विश्रा देखिए गोवर्धन जी को चर्चा के लिए नहीं भेजा गया था उनको तो यह था कि जसवंत सिंह तक संदेश पहुंचाना है पर क्योंकि एक ब्रह्म सृष्टि है ना जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है श्रीजी ने तो कह दिया जिनको पहुंचे तारतम सोई करे प्रकाश तो हम सब सुंदर साथ में से जिसके हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश है हम सब का ये कर्तव्य हो जाता है यहां गोवर्धन जी भी कोशिश करते हैं कि जहां भी जाए वहां राज्य की बात हो ये किसी न किसी तरह से एक सच्ची ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है हो सकता है पूर्ण रूप से अभी इनकी जागनी हुई हो या न हुई हो पर ज्ञान दृष्टि से इतनी पहचान हो गई है अपने कर्तव्य का पता चल गया है तो उन्होंने पहले गंगाराम जी की दुकान में थोड़ी देर विश्राम किया उनको भी चर्चा सुनाना शुरू किया वहीं पर आशाजीत नाम के एक वकील हैं उन्हें भी चर्चा सुनाई नैन सुख महाजन से भी दो चार शब्द कहे वाणी के तारतम के और उनको भी विचार करने पर बाध्य किया श्रीजी से अभी मिले नहीं है आए तो श्री जी से मिलने के लिए ही है सुंदर साथ में वापस उस समूह में शामिल होने के लिए पर जहां भी पहुंचते हैं वहां राज जी की बात करते हैं इस तरह से श्री जी के विषय में ढूंढते हुए उर्दू बाजार में उन्हें गरीब जी मिलते हैं जो कि सुंदर साथ हैं पहले से ही गरीबदास जी के पास दौड़ के जाते हैं और पूछते हैं कि श्रीजी साहब कहाँ हैं मुझे मिलना है और मेरे साथ कुछ और भी साथी हैं जो श्री जी का दर्शन चाहते हैं मैं उन्हें भी लेकर के आना चाहता हूँ उन्होंने पता लिया कि विठ्ठल गौर की गली है पूर है और वहाँ किसी सैयद की हवेली में श्री जी ठहरे हुए हैं गोवर्धन जी अपने निवास स्थान पर गए गरीबदास जी अपने निवास पर आए आकर के श्रीजी को बताया कि गोवर्धन जी अटक पार से आ गए हैं और गोवर्धन जी भी अब अपने जितने साथी थे चाहे गंगाराम हो या आशाजीत हो इन सब को लेकर के आए और श्रीजी से मुलाकात करें उस हवेली में श्रीजी छह महीने तक ठहरते हैं और इसी छह महीने की अवधि में औरंगजेब के लिए सुंदर साथ श्री ने, श्रीजी ने मिल करके 22 प्रश्न तैयार किए उस प्रश्न को लिखने में विशेष रूप से श्रीजी और लालदास जी थे दिन रात मेहनत करके जागनी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन प्रश्नों को तैयार किया गया और तैयार करने के बाद आप सोचते हैं कि इन प्रश्नों को पत्रकार रूप तो दिया जा रहा है पर कैसे उस तक पहुंचाया जाए औरंगजेब को दिया कैसे जाए फिर श्री जी ने आशाजीत वकील के विषय में विचार किया कि वो तो वकील है, दरबार में उनका आना जाना लगा रहता होगा उनके माध्यम से बात की जाए पता चले कि क्या प्रोसेस होता है क्या प्रक्रिया होती है आशाजीत वकील ने चिट्ठी पढ़ी अब चिट्ठी हिंदी भाषा में थी प्रश्न 22 थे पर हिंदी भाषा में थे आशा जीत ने इस बात को देखते ही उस चिट्ठी को देखते ही क्या कहा कि श्री जी औरंगजेब तो ऐसा है इतना कट्टर है उसके विषय में कई लोग कई इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि सुबह उठ करके जब तक सवा मन जनेऊ हिंदुओं के सवा मन जनेऊ नहीं उतरवा लेता था चाहे वो तलवार के जोर पर चाहे किसी भी तरह से लालच दिखा करके तब तक वह भोजन ग्रहण नहीं करता था मुझे लगता है कि सवामन जने एक आलंकारिक वर्णन है इतना अधिक तो नहीं हो सकता पर फिर भी क्योंकि सवामन जने यदि प्रतिदिन उतारा होता इतने वर्षों तक राज्य किया उसने तब तो हिंदुओं की संख्या ही नहीं रहती पूरे देश में है ना सवामन जनेव कम थोड़ी होता है प्रतिदिन कई कई हजार जने उतारने पड़ते इतने वर्षों में तो फिर पूरा धर्म परिवर्तन हो गया होता पर फिर भी हो सकता है चलो सवा किलो हो या फिर कुछ भी हो पर एक निश्चित मात्रा में उसका नियम था कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करना है और वो धर्म परिवर्तन करने के सारे हथखंडे एक साथ अपनाता था तलवार के बल पर तो था ही तलवार के बल पर कैसे करता था कि राजनीतिक रूप से जितने भी छोटे छोटे राजा हैं उन पर उसने कर लगाया था और कर भी भारी भरकम कब तक देते एक साल देंगे दो साल देंगे और जब कर देने में अक्षम हो तो उन पर दबाव देता था कि या, या तो तुम मुसलमान बन जाओ या फिर अपना राज्य मुझे सौंप दो या मुझसे युद्ध करो अब छोटे छोटे राज्य हैं बेचारे क्या करते तो कुछ राज्यों ने इस तरह से हथियार डाल दिए कुछ राज्य उसके राज्य में मिल गए उस तरह से उसने मुसलमान बनाया इसी तरह से अब यह तो उसने हथियार के बल पर किया फिर साथ में क्या किया बहुत सारे हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा जाने लगा और सामान्य सभी हिंदुओं पर भी उसने कर लगाया था किस किस चीज पर कर लगाया चोटी रखने पर जनेऊ पहनने पर जजिया कर हिंदू त्योहार मनाने पर कर इतने सारे कर लगाए उसने कि उसके बोझ तले हिंदू धीरे धीरे गरीब होता गया अब उनके पास कोई उपाय नहीं है जीविका का कोई साधन नहीं है तो साथ में यह भी लालच दे रखा था कि यदि तुम मुसलमान बन जाते हो तो एक पुरुष यदि मुसलमान बनता था तो दो मुहरे दी जाती थी दो रुपए उस समय के और एक स्त्री मुस्लिम बनती थी तो उसको एक रुपया दिया जाता था अब सोचिए कि यदि कोई परिवार बनता है इस तरह से एक परिवार में क्योंकि उस समय तो बड़ा परिवार हुआ करता था यदि दस लोग मुसलमान बन रहे हैं उसमें से यदि पांच पुरुष है तो दस रुपए और पांच महिलाएं हैं तो कुल मिलाकर पंद्रह रुपए अब पंद्रह रुपए उस समय काफी बड़ी रकम है तो सोचते थे कि चलो अब कर दे दे करके खत्म हो चुका है तो जीवन यापन करने के लिए कुछ लोग मुसलमान बने आज भी जितने मुस्लिम हैं उनमें से कम से कम सत्तर अस्सी प्रतिशत तो ऐसे होंगे जो आप पांच पीढ़ी छह पीढ़ी पीछे चले जाएंगे तो वो सभी हिंदू ही निकलेंगे कुछ लोग लालच से मुस्लिम बने कुछ लोग डर से मुस्लिम बने कुरान पढ़ करके कुरान समझ करके मुस्लिम बने हो ऐसे बहुत कम मामले देखने को मिलते हैं वास्तव में तो जितने लोग आज भी बुद्धिजीवी वर्ग में आप इंटरनेट में ऐसे बहुत सारे डाटा मिल जाते हैं उसमें मैंने पढ़ा कई जगह पर कि एक तो हिंदू मत है, है। हिंदू मत को जो अच्छे से पढ़ रहा है ना वो बहुत अच्छा हिंदू बन रहा है कुरान को जो अच्छे से पढ़ रहा है वो नास्तिक बन रहा है या फिर हिंदू बन रहा है ईसाई मत को जो अच्छे से पढ़ ले रहा है वह भी या तो नास्तिक बन रहा है या हिंदू बन रहा है आप डाटा पढ़ सकते हैं बहुत सारे ऐसे ईसाई मत के लेखक लेखक मिलते हैं विद्वान मिलते हैं जो यहाँ भारत में दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने आए थे पर जब यहाँ के हिंदू मत को उन्होंने पढ़ा सनातन मत को पढ़ा तो वो हिंदू हो गए बहुत सारे ऐसे मुस्लिम प्रचारक थे जिन्होंने हिंदू मत को पढ़ा और हिंदू हो गए पर हिंदुओं में जितने भी मुसलमान बने हैं वो या तो डर की वजह से बने हैं या लालच की वजह से बने हैं इसका मतलब क्या है कि सनातन मत में जो ज्ञान है वह सर्वश्रेष्ठ तो है पर हमने उसको पढ़ा नहीं हमने उसको बढ़ावा नहीं दिया मैं बात कर रहा था औरंगजेब के कट्टरता की अब आशाजीत वकील ने सारी बात बताई और कहते हैं ए तो हिंदुवन का हमेशा रहत दुश्मन प्रातः को मुंह न देख ही ए आप कहावत मोमिन औरंगजेब सुबह सुबह हिंदुओं का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता है अगर किसी हिंदू का मुंह ने सुबह सुबह देख लिया तो वो मानता है कि आज का दिन खराब होगा ऐसे को वो मनहूसियत मानता है और उसको वो मरवा देता है इस तरह की बातें उस समय प्रचलित थी तो आशाजीत ने क्या कहा कि आपने तो चिट्ठी जो लिखी है वो हिंदी में है और शरीयत कट्टर है वे या तो उर्दू अरबी फारसी को सुनेंगे या तो फिर नहीं सुनेंगे इसलिए अब कोई दूसरा उपाय किया जाए या तो इसका भाषांतर किया जाए दूसरी भाषा में रूपांतरण किया जाए अब वहां दो महीने तक और रहे छह महीने पहले रह चुके हैं लाल दरवाजे में दो महीने और हो गए वहां श्रीजी वेद वेदांत की चर्चा करते हैं किसी जिस हवेली में ठहरे हुए हैं वहाँ अटारी पर ऊपर जा कर के एकांत में सुंदर साथ के साथ बैठ करके वेद वेदांत की धर्म ग्रंथों की चर्चा करते हैं वहाँ श्री जी की चर्चा सुनने के लिए एक सूफी संत आते हैं सूफी संत ऐसे होते हैं जो पांचों वक्त नमाज नहीं पढ़ते जो सुन्नी मुसलमान है वो भी पांचों वक्त नमाज पढ़ते हैं और उसको अपना कर्तव्य की तीसरी समझ लेते हैं पर सूफी संत जो हैं वे नमाज के समय में दिन में सोए हुए मिलेंगे पर रात को जाग करके आंख बंद करके वो ध्यान करते हैं भक्ति करते हैं क्योंकि वास्तव में भक्ति की प्रक्रिया यही है आप किसी भी मत मतांतर संप्रदाय में चले जाइए जिस मत में ध्यान के विषय में कहीं कुछ नहीं बताया होगा समझ लीजिए कि ये केवल बाह्य आडंबर भर है क्योंकि आत्मा का कल्याण केवल ध्यान से ही होता है हाँ प्रक्रियाएं लोगों की बताने की भिन्न भिन्न हो सकती है पर गौतम बुद्ध ने जो बताया वह भी ध्यान ही है जिसको विपसीना कहते हैं महावीर स्वामी ने जो बताया वह भी ध्यान की ही प्रक्रिया है इसी तरह से हिंदू मत में भी ध्यान के अलावा और कोई उपाय बताया ही नहीं है इस्लाम मत में भी एक प्रसंग आता है मैंने आदरणीय नरेश टंडन जी से किसी चर्चा में सुना उसको यहां उद्धृत कर रहा हूं कहते हैं कि मोहम्मद साहब एक बार सो रहे थे रात को तो आवाज आती है उनको उठाने के लिए कहते हैं ए चादर ओढ़े हुए मोहम्मद उनको क्या कहा जा रहा है मोहम्मद साहब को ए चादर ओढ़े हुए मोहम्मद तू आधी रात के कुछ पहले से लेकर आधी रात के कुछ बाद तक मेरी इबादत किया कर इसका मतलब क्या है यह ध्यान का समय है ऐसा समय जिसमें पूरी दुनिया सो रही होती है अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है रात के ग्यारह साढ़े ग्यारह से लेकर के एक दो बजे तक और कई कई संत तो पूरे रात भर भी बैठ जाते हैं और रात भर बैठने की वजह से नींद आती है तो वो दिन में सो जाते हैं और देखने वाले क्या कहते हैं ये तो ऐसे ही पड़े रहते हैं क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि दुनिया हमें ध्यानी के रूप में माने दुनिया हमारी इज्जत करे वो चाहते हैं कि हमारे प्रेम को केवल खुदा देखे परमात्मा देखे वाणी भी तो यही बात कहती है मीठा गुज मासुक का आशिक कहे ना पड़ोसी पड़ोसीपण ना सुन सके यो आशिक छिपी रोए प्रियतम परब्रह्म के प्रेम में ध्यान में जब हम अश्रु बहाते हैं तो वो ऐसे बहने चाहिए कि जो आपके पड़ोस में बैठा होगा आपके बगल में बैठा होगा उसको भी पता न चले कि आप ध्यान कर रहे हैं या आप रो रहे हैं आप आपकी ध्यान का ढिंडोरा पूरी दुनिया में यदि पिट जाता है तो समझ लीजिए कि आपकी भक्ति उस तक नहीं पहुंच पा रहे जिस तक पहुंचनी चाहिए हां स्वाभाविक रूप से यदि किसी को पता चल रहा है वो बात अलग है पर आपके मन में प्रतिष्ठा की इच्छा है कि लोग हमको ध्यान ही समझें आजकल सुंदर साथ में क्या होता है कि मान लीजिए उनके मन में ध्यान की थोड़ी इच्छा होती है ना मुझे मुझे समझ में नहीं आता कि इच्छा होती है या क्या होता है पर वो फेसबुक में पोस्ट लिखते हैं कि सुंदर साथ जी अब मैं एक महीने के लिए ध्यान में बैठने जा रहा हूँ मेरी फेसबुक आईडी बंद रहेगी क्यों बंद करो किसने मना किया है व्हाट्सएप में स्टेटस डाल दिया जाता है कि सुंदर साथ जी आज से मैं इतने दिन के लिए ध्यान में बैठने जा रहा हूँ मुझे कृपया व्हाट्सएप पर मैसेज ना करें फिर मैं देखता हूं दो चार दिन के बाद में वापस उसी व्हाट्सएप से अलग अलग ग्रुप्स में मैसेज आने लगते हैं ऐसे एक नहीं अनेक हैं कोई भी इसको व्यक्तिगत तौर पर ना ले मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं पर यह तो कहीं ना कहीं दिखावे वाली बात हो गई ना ऐसा तो नहीं है कि आप प्रधानमंत्री की तरह पूरे देश को संभाले हुए हैं और आपके एक महीना फोन बंद करने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है तो आपको जानकारी देनी पड़ रही है ये कही कहीं ना कहीं दिखावा है और ध्यान जो है वो ऐसे समय में होना चाहिए इस तरह का होना चाहिए कि दिखावे की गुंजाइश ना रहे दुनिया को पता नहीं चले तो अच्छा है या फिर आप किसी को प्रेरणा देने के लिए बताना चाहते हैं कि ध्यान करो तो वो बात अलग है पर आपके अंदर वो भावना नहीं होनी चाहिए हाँ कई बार हो सकता है कि आपकी अच्छी भावना को भी लोग नकारात्मक रूप में लें पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तो जो सूफी संत हैं वे इस तरह की बंदगी करते हैं श्रीजी की चर्चा सुनते हैं वो सूफी और श्री जी की चर्चा उन्हें मीठी लगती है और उसी लालच में वो बार बार आने लगते हैं इसी क्रम में एक और व्यक्ति जुड़ते हैं उनका नाम था दयाराम। दयाराम जी को श्री जी तक लेके आने वाले थे नैन सुख भाई अब दयाराम जी जाकर के एक दूसरे व्यक्ति के सामने चर्चा कर देते हैं जिनका नाम था चंचल फिर उनसे हरिप्रसाद और हरिकरण नाम की व्यक्ति सुनते देखिए एक से दूसरे ने सुनी दो लोग हो गए फिर दो से चार ने सुनी ऐसे करते करते जागनी बढ़ती रहती है पर हम क्या करते हैं हम अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखते हैं बोलने को तो कह देते हैं चर्चा में या चौपाई में कि तुम सतगुरु दीपक भय कि जो आप सम्मान पर हमने ना अपने आप को दीपक नहीं बनाया है हमने क्या बनाया है अपने आप को लालटेन जैसा बनाया है लालटेन से भी प्रकाश तो निकलता है पर दो चार दिन के बाद में लालटेन में ऐसी कालिख जमा हो जाती है कि हम उस लालटेन का प्रकाश बाहर ही नहीं निकलता ना हमारी अवस्था कुछ ऐसी हो गई हमें पता है कि क्या करना है क्यों करना है पर कुछ समय के बाद में हम खुद भी नहीं करते और दूसरों तक तो पहुंचाते ही नहीं तो दीपक जैसा नहीं है यहाँ हर सुंदर साथ अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है गोवर्धन भट्ट को देखते हैं तो वो गंगारा की गंगाराम जी की दुकान में बैठ के उनको जगाते हैं आशा जीत वकील को प्रबोधित करते हैं यहाँ दयाराम जी की जागृति होती है उनको नयनसुख भाई लेके आते हैं फिर दयाराम जी जाते हैं चंचल जी को लेकर के आते हैं और ये ऐसे सुंदर साथ हैं जो उनमें शामिल है कि औरंगजेब तक संदेश पहुंचाने में जो बारह सुंदर साहब थे ना उनमें है ये चंचल गंगाराम दयाराम, बनारसी शेख बदल का नाम पहले आ चुका है और एक आएंगे कायम उला दिल्ली के छह सुंदर साथ थे इनकी जागनी ऐसे ही हो रही है श्रीजी स्वयं एक एक व्यक्ति के पास नहीं जा रहे हैं पर जितने सुंदर साथ वो श्रीजी तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं तो हमें भी अपने कर्तव्य का इसी तरह से पालन करना चाहिए अब यहाँ हरिप्रसाद और हरिकरण जी हैं दो भाई श्री जी से चर्चा सुन करके चुप चुप करके चर्चा सुनने आते हैं श्री जी पर पूर्ण विश्वास है पर अपने घर के बड़े लोगों से डरते हैं कि कहीं ये लोग सवाल ना कर दे कहीं लोग रोक ना लगाए इसलिए चुपके चुप, चुप के चर्चा सुनने आते हैं फिर दिल्ली में ही एक व्यक्ति हैं भिखारी दास जी श्री जी की चर्चा सुनते हैं अभी अंदर की पहचान नहीं है शक्ति की पहचान नहीं है पर ऊपरी पहचान से श्रीजी को अपने घर में पधराते हैं भोजन की सेवा करते हैं गंगाराम जी हैं कभी भी श्री जी के साथ आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते दुख बाजार से कोई ना कोई वस्तु भेंट के रूप में सेवा के रूप में मिठाई इत्यादि लेके आते हैं एक शिष्टाचार के नाते दयाराम जी भी मिठाई पकवान इत्यादि लेके आते हैं क्योंकि श्री जी अकेले तो है नहीं सुंदर साथ बहुत सारे हैं श्री जी के पास तो जो भी आएगा सुंदर साथ को ही देंगे चंचल जी एक सुंदर साथ है वो अपनी ही दुकान से चुपके से सामान लेके आते हैं क्या कहते हैं चंचल अपनी दुकान से लियावत कर चोरी लियावे राज के वास्ते अंग उमंग करे अब इसका मतलब ये मत सोचना कि यहाँ तो चोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ चोरी का तात्पर्य क्या है कि जैसे दुकान तो अपनी भले है पर जो घर के बड़े बुजुर्ग होंगे वो हिसाब किताब करते होंगे तो इसीलिए चुपके से घर वालों को बिना बताए श्रीजी के प्रति प्रेम भाव है तो वो उसको व्यक्त करने के लिए लेकर आते हैं कहते हैं गुटम कबीला लड़ते बरजत रहे हमेश परिवार के लोगों को एक दिन पता नहीं चलता होगा दो दिन पता नहीं चलता होगा पर दो चार दिन तक लगातार ऐसा होने लगे तो पता चल ही गया तो घर के लोग लड़ने लगे हमेशा मना करने लगे कि जाते क्यों हो वहां पर पर सुंदर सत क्या करते हैं तिनका मोह मार के काहु ना गिनत खेस उन सब का मोह मारा हुआ है क्योंकि जी के स्वरूप की पहचान हुई है हम तो क्या करते हैं दबाव में आ जाते हैं ना दबाव में क्यों आ जाते हैं क्योंकि जिसकी चर्चा सुन रहे हैं जिसको पाना है उसके स्वरूप की पहचान ही नहीं हुई है यदि पहचान हो जाए मान लीजिए कि आपको एक जगह पर तो 2000 की नोट है दिखाई जा रही है और एक जगह पर दस रुपए की नोट है लेकिन आपको नोट की पहचान नहीं है दस रुपये जो है आपके पास में है और दो सौ रुप दो हजार की जो नोट है दूर है आपको पता नहीं चल रहा है कि नोट है कि कागज है तो आप क्या करेंगे दस रुपए को ही पकड़ेंगे दो हजार छोड़ देंगे पहचान नहीं है ना और जो दिखाई पड़ रहा है उसकी कीमत नहीं है इसी तरह से हमें अब तक पहचान नहीं है जिनकी पहचान होनी चाहिए तो हम छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के बंधन में आ जाते हैं और जो बड़ा लक्ष्य है उससे भटक जाते हैं यहाँ सुंदर साथ के भी बाधाएं तो बहुत सारी आ रही है पर वो दबाव में नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें श्री जी के स्वरूप की पहचान है अब इसी तरह से लोगों का आना जाना चलता रहता है नए नए लोग जुड़ते रहते हैं अब सुंदर का जुड़ना तो लगा ही हुआ है पर श्री जी के मन में यही बात घर कर रही है कि अब ये विचार करने लगे क्यों ए बात सुने सुल्तान जो मुख्य लक्ष्य है कि औरंगजेब हमारी बात कैसे सुने और यहां बैठे बैठे तो लगभग आठ महीने हो चुके हैं एक ही जगह पर बैठे रहेंगे काम कुछ हो नहीं रहा है तो ऐसे बात नहीं बनेगी और यहां बैठ के मुझे लगता है कि जागनी नहीं हो सकती क्योंकि शरीयत का बहुत जोर है अमल बड़ा अमल शैतान इसीलिए अब दिल्ली से बाहर निकलकर कोई ऐसी जगह ली जाए और वहाँ बैठ कर के किसी दूसरे तरीके से औरंगजेब तक संदेश पहुँचाया जाए ऐसा विचार करके श्री जी अब निकलना चाहते हैं दिल्ली से लेकिन दिल्ली से निकलने से पहले एक घटना ऐसी होती है कि एक ऐसी आड़ी का लीला ऐसी चमत्कारी लीला होती है लक्ष्मीदास जी के यहाँ जो हमें जब तक जागनी ब्रह्मांड रहेगा तब तक श्री जी के स्वरूप की पहचान कराती रहेगी इंद्रावती जी की शोभा बताती रहेगी वैसे तो श्रीजी दिल्ली से चलकर के शाहजहांपुर बोडिया पहुंचते हैं पर उससे पहले की यह घटना है कि एक सुंदर साथ है लक्ष्मीदास जी उनके घर में किस तरह से राज्य दर्शन देते हैं और राज्य दर्शन दे करके बोलते हैं कि आज के आठ दिन के बाद तुम्हारे द्वारा औरंगजेब की जागनी होगी और जब समय आता है तो राज्य अंतर्ध्यान हो जाते हैं वैसे देखा जाए तो राज्य झूठे साबित होते हैं पर इसकी वास्तविकता क्या है राज्य ने किस तरह से वादा किया और उसको पूरा क्यों नहीं किया और इस प्रसंग से कैसे इंद्रावती जी की शोभा सिद्ध होती है कैसे प्राणनाथ जी की महिमा सिद्ध होती है इन सब की चर्चा सुनेंगे हम कल अभी समय पूरा होता है चौपाई दो राइए श्री महामत कहे ए साथ जी याद करो धनी तुम उत्तरी मेहर हक से जगाओ अपनी आत्म जगाओ अपनी आत्म बोलो श्री प्राणनाथ बोलो श्री सदगुरु महाराज प्रणाम